नाम क्या है? राजू भाई। अच्छा ये बताओ, आप स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या काम करते हो? स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को तंदुरुस्ती है, घर पे कोई बीमार ना पड़े, इसीलिए आप क्या क्या करते बताइए? उसके लिए क्या करते हो? घर पे क्या क्या है, मतलब स्वस्थ रहने के लिए आपके घर में क्या है खान पीने में बताइए? खाने पीने में तो ऐसा कुछ है नहीं, स्वस्थ रहने के लिए जिम वगैरह जाता हूँ, और कुछ है नहीं। अच्छा घर में प्रेशर कुकर है? माइक्रोवेव ओवन है जो गर्म चीज रखने के लिए? नहीं नहीं। ग्राइंडर है? हाँ ग्राइंडर है। टोस्टर है, टोस्ट बनाने वाला? हाँ है। मिक्सर मशीन है? है। फ्रिज है? हाँ है। वॉशिंग मशीन तो होगा ही, वो भी? नहीं वो नहीं है। देखिए ये भाई स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सारे जहरीले पदार्थ घर पे रखे हैं, अगर जब तक ये घर से नहीं निकलेगा तब तक इनके। अच्छा ये बताइए, घर पे आपका कोई बीमार है? अच्छा ऐसा कोई बीमारी नहीं, कभी भी नहीं आता बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम? ऐसा तो होते रहता है सर्दी खांसी तो। ये तो भाई शुरुआत है ना, मैं तो कहना मतलब ये है, ये जो जितना घर पे आपका चीज है ना, ये सारे बीमार करने के लिए काफी है, एक आदमी को बीमार करने के लिए। अभी हमारा उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बीमार ऐसा बढ़ता चलता रहता है, इसके लिए हमारा कहना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमारी जो राजीव भाई दिखी थे उनकी थोड़ी कही हुई बात को मानिए, तो बिल्कुल जैसे आपका अभी चेहरा पे फोड़ा हुआ है, आपको आप तो दवाई लिए होंगे, ये तो आपको पता नहीं कि घर पे मेरा दूध है या नींबू है, उसको थोड़ा लगाओगे तो ये फोड़ा चला जाएगा, ये तो आपको पता नहीं है। ऐसा ही सारे इलाज हमारे घर पे ही है, और अगर आपको इसके बारे में बेहतरीन जानना है तो राजीव भाई दीक्षित का, राजीव भाई दीक्षित आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, और किसी भी दवाई कोई भी बीमारी का एक्स वाई जेड बीमारी का इलाज उसमें बता दिया गया, जो भी बिना पैसा का कोई भी बीमारी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद आपसे मिल के बात हुई की। ठीक है भाई जी, भाई हमारे साथ प्रकाश भाई है, चलिए प्रकाश भाई से पूछ लेते हैं उनके घर में क्या क्या स्वस्थ रहने के लिए रखे हैं। क्या नाम जी भाई आपका? प्रकाश भाई। प्रकाश भाई पहले बता दिया था। अच्छा ये बताइए आपका घर में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? स्वस्थ रहने के लिए जैसे प्रेशर कुकर है? अरे बाप, प्रेशर कुकर भी है? अच्छा वॉशिंग मशीन है? अरे देखो देखो देखो, हाथ में दर्द नहीं आया इसलिए वॉशिंग मशीन भी रखे। अच्छा ग्राइंडर है? ग्राइंडर देखो देखो, ये भी एक है, ग्राइंडर भी है जो सिलवट्टा का जगह ग्राइंडर रखे। अच्छा टोस्टर है? फ्रिज भी है, ठंडा पानी के लिए, मटका नहीं रखेंगे, फ्रिज रखेंगे, फ्रिज फ्रिज पानी नहीं पीते तो फ्रिज का पानी नहीं पीते तो क्या रखते हैं? सब्जियाँ रखते हैं? अरे बाप रे, सब्जी रखते हैं? सब्जी। अच्छा आपका मैं बता दें, नहीं नहीं ये तो नहीं पूछेंगे, ये बहुत बुरा हो जाएगा, ये नहीं पूछूंगा, तो ये सब मतलब स्वस्थ रहने के लिए रखते हैं। अच्छा अभी पूरी पूरी स्वस्थ है आप? स्वस्थ। कभी ठंडी खांसी बुखार? नहीं 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 होता, कभी नहीं होता। क्या बात कर रहा है, ये तो मैं पहले बात नहीं देखा हूँ कि जिसको ठंडी खांसी बुखार। ये तो देखो भारत में एक भाई है, ये पूरा जहर घर पर रखने के बाद वो ये बोल रहे कि हमको बस ठंडी खांसी होता होगा। भाई जी नहीं होता तो कैसे बोलो, एक बार तो गले में मैं देखा था दाग हो गया था। तो भाई कभी किसी को हो सकता है, ये देख लो कभी बोलते कभी भी हो सकता है, ये नहीं नहीं नहीं, हमारे उद्देश्य ये है कि आपका घर पे जितना ये जो मैं बताया ना, प्रेशर कुकर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, ठीक है, ये सबको हटा दीजिए, जो हमारी परंपरा संस्कृति वाला जो चीज था पहले उसको रखिए, तो ये जो स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे देश का विकास भी होगा। हाँ बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब करूँ हमारा यूट्यूब चैनल सूरत ओडिया न्यूज, सूरत ओडिया स्वर।